नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, हमारे इस नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आप सब कैसे हैं? आशा और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और भाई सुबह की हो गई शुरुआत, 10 बज चुके हैं और गाड़ी लेके हम आ चुके हैं इंदिरा नगर, लेकिन अभी तक कोई भी राइड आई नहीं है ढंग की। बस तो रही है लेकिन सब ऐसे ही फालतू की बज रही है, लोकल की। कोशिश कर रहे हैं कि भाई आउटसन की पहली बुकिंग मारें तो ज़्यादा सही रहेगा। शाम को लगता है सर्च, तो सर्च की बुकिंग करेंगे। राजेश कल कितने काम किया था? 700 का, 700 रुपए का। ओ, प्राइवेट रोड कोई काम नहीं किया? चलो तुम तो बेकार हो। पंकज तुमने कल कितने काम किया? 3000 रुपए का, सब मिला के, प्राइवेट ओला उबर सब। हाँ, मतलब काम अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। विकास तुम बताओ भाई, विकास हमने घर बनवा लिया है। बताइए, 1100 जाना, 1100 आना और 800 रुपए लोकल। अच्छा अच्छा, मतलब टोटल कितने काम हुआ? 3000 रुपए। 11 2 22 8। और बोलो तुम? हम तो कल नींद आ रहा तो सो गया। काम हुआ, मौसम इतना अच्छा है। न्यूता उतना नहीं जा रहे हो? कौन न्यूता? शादी भी चल रही है ना, अब आ जाए। अब कल नहीं, कल गए दिल्ली, कल गए नहीं। बुकिंग बज रही है लेकिन लोग जा नहीं रहे। देखो गौर से पढ़िए, न्यू दिल्ली। हाँ यार, देखो भाई लोकेशन देखो, आप देखो जो है दिल्ली की बुकिंग, न्यू दिल्ली उत्तर प्रदेश का ड्रॉप आ रहा है भाई। वो भी कानपुर में कितना दे रहा है? 218 रुपए। दिल्ली जाने कानपुर भाई, ये सोचने वाला ये मत सोचना कि कानपुर में दिल्ली नहीं, कानपुर में भी दिल्ली है, न्यू दिल्ली है। न्यू दिल्ली अपने यहाँ भी लगता है, दिल्ली लखनऊ से नई नई जगह बता रहा है भाई। कानपुर में न्यू दिल्ली कौन सी जगह? ये सब ओला उबर ही खोजता है। कमेंट करके बताना भाई कि न्यू दिल्ली ऐसी कौन सी जगह है, बाकी हम लोग तो खोज नहीं पाओगे। तो हम सब लोग भाई कर रहे हैं बुकिंग का इंतजार। ये देखो अपनी गाड़ियाँ खड़ी है, वो कस्टमर बैठा पीछे खड़ा है। मतलब 4 तो 6 3 तो 5, 5 गाड़ी है, 5 ड्राइवर है। एक अभी अभी गई है, एक चला गया है। वो मात्र 76 रुपए की राइड लेके गया है। कस्टमर ने एसी चालू कराया है और सीट तोड़िया लेट गया है। कहता तुमको पैसे से मतलब है कहीं उतरे चल के। इतने यार मौसम इतना अच्छा, फिर भी एसी चलवा रहा है, एसी चलवा रहा है। अब कस्टमर 76 रुपए दे रहा है भाई, 76 रुपए दे रहा है। अब देख लो भाई ओला उबर का ये हालत, 76 रुपए में फुल एसी चाहिए, सोते हुए जाए कस्टमर। अब जब बारिश हो रही है देख लो भाई, अपने यहाँ तो बहुत बारिश हुई है भाई। चलो अच्छा ठीक है भाई, काम आते हैं फिर बताते हैं काम किसका कैसा क्या होता है। अभी कोई ऑप्शन कोई ढंग की आएगी तो उसकी अपडेट चले गए। अवस्थी चले गए? देखो अवस्थी चले कहाँ लेके गए? लखनऊ की आ गई भाई, गजब है। हमारे साथ की अवस्थी जी हैं मंदना के, वो चले गए भाई और हम सब लोग अभी रुके हुए हैं। 4000 रुपए ले ली, लेकिन भाई राउंड ट्रिप लेने में ज्यादा फायदा है। हाँ तो भैया 340 रुपए काम कर चुके हैं, ऑपरेटर 340 बना था, 35 रुपए हमें टोल के मिले थे, तो कुल मिला के 375-380 रुपए करीब काम कर चुके हैं। और भाई हमारे साथ हो गया था थोड़ा सा लोचा ये हुआ था कि पंकज भाई साहब बैठे हुए थे और विकास भाई साहब बैठे हुए थे, बातों में इन दोनों ने जो है शर्त लगा ली। विकास ने बोला ठीक है आप ड्राइवर ऐड नहीं कर सकते हो ऑपरेटर से। अब पंकज भी भाई कहाँ कम था, पंकज ने बोला नहीं भाई मैं ऐड कर दूँगा। तो बोला ठीक है भाई, अगर ऐड कर दोगे तो बताओ क्या शर्त लगाई जाए। तो भाई सर दोनों में लग गई कि अगर विकास हारेगा तो 100 रुपये कोल्ड ड्रिंक दोस्तों को पिलाएगा और पंकज हारेगा तो विकास ने बोला मैं तुझे मारूंगा। तो पंकज बोला ठीक है भाई ऐड कर दूंगा। तो भाई पंकज ने हमें ऐड करना चाहा अपनी गाड़ी पे, तो भाई हमारे पास राइड आ गई थी, हम तो एयरपोर्ट के लिए निकल लिए। ओला में भी रेंटल की बुकिंग बजी, फिर उसे हमने एक्सेप्ट नहीं किया, पास कर दी ड्यूटी ऑफ करके ओला की, निकल लिए वहाँ से भाई। कस्टमर को ड्रॉप किए एयरपोर्ट अपने कानपुर, वहाँ पे लॉगिन कर रहे थे यार लॉगिन नहीं हो रहा है। पंकज से बात की तो पंकज ने तो क्या है अपनी बाइक पे ऐड कर दिया था भाई हमें, और गलती उससे ये हुई कि हमारी गाड़ी से उसने हमें एज ए ड्राइवर टर्मिनेट कर दिया, हटा दिया हमारी गाड़ी से और अपने बाइक पे ऐड कर दिया। अब भाई हमारी गाड़ी पे ऐड नहीं हो रहा था बहुत देर, वो भी परेशान रहा, कस्टमर केयर से भी बात की, कहीं से बात नहीं बनी। विकास हमें मिल गया, विकास ने फिर ओला में एक वेंडर है उससे बात करी भाई, और फिर हमें 4 घंटे बाद हम लॉगिन हो पाए भाई, ऐड कर पाया बंदा, वो प्रोसेस में पड़ा हुआ था ओला में। पंकज ने कहा भाई सेल्फी देनी पड़ेगी यहाँ पे आ जा, तो वहाँ पे मैं जा नहीं पाता, खाली गाड़ी लेके भाई 3-4 दफे नुकसान करता, क्योंकि ड्यूटी भी उधर की नहीं आ रही थी। तो वेंडर से बात की भाई, वेंडर ने हमारी ड्यूटी ऑन कर दी। अब भाई ऑन है और खड़े हैं अभी यहाँ रामा देवी के फ्लाईओवर के नीचे, यहीं से कर रहे हैं आउटसन बुकिंग का इंतज़ार। कोई ढंग की बुकिंग आएगी तो लेके चले जाएंगे, या फिर लॉन्ग ट्रिप कोई बच गई लोकल की
ओला की प्राइम में या उबर की कोई प्राइम वगैरह या कोई अच्छी बुकिंग तो देखते हैं, नहीं तो वैसे आउट रिजेशन जो है ओला में ही हम कर रहे हैं इंतज़ार। और यहीं खड़े हैं भाई, गाड़ी हमारी ये खड़ी है बढ़िया, यहाँ पे छाया है पुल के नीचे और यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब करते हैं बुकिंग का इंतज़ार, जैसे कोई बुकिंग आती है फिर आपको बताते हैं बात का अपडेट, तो बने रहेगा हमारे स्टूडियो में। भाइयों ये खड़ी है गाड़ी और भाई अभी भी देखो ड्रॉप आ रही है, रेलवे स्टेशन की आ रही है, कोई भी ढंग की बुकिंग बजी नहीं। फ्लाइट आई थी भाई वही लगभग 2:30 बजे हम गए भी थे एयरपोर्ट की तरफ, लेकिन वहाँ से भी नहीं बजी, खाली हमें यहीं पे आना पड़ा और सारा दिन भाई वेट किया, एक भी आउटसन नहीं आई, ना ही उबर में जो है इंटरसिटी आई, सारा का सारा दिन भाई ख़राब हो गया, पूरा मूड ख़राब कर दिया। कल की तो सिर्फ रात काली हुई थी भाई, आज का तो पूरा दिन ही काला हो गया, अब हो गई है शाम, अब समझ में नहीं आ रहा आज होगा क्या। चलो जो भी होगा अच्छा होगा, कभी कभी ऐसा होता है महीने में 2-4 दिन भाई ऐसे हो जाते हैं, इसीलिए बोलते हैं भाई कि हमारे वीडियो देखने के बाद भाई ये सब देख के लालच में कोई गाड़ी जल्दबाजी मत ले लेना भाई, क्योंकि मेहनत करोगे तभी गाड़ी किस्त वगैरह निकाल पाओगे, और कभी कभी मेहनत करने के मूड से निकलो और काम ना मिले भाई तो फिर भाई बहुत दुख होता है, समझ लो दिल टूट जाता है कि यार गाड़ी लेके खा पी के घर से बढ़िया पहन ओढ़ के निकले और बताओ हमारे पास काम ही नहीं आ रहा, हम करें क्या, मन तो है काम करने का लेकिन जब बुकिंग नहीं आएगी तो भाई क्या ही किया जा सकता, आप लोग समझ सकते हो। तो अभी थोड़ी देर हम और वेट करेंगे क्योंकि अभी तो अंधेरा नहीं हुआ है, अभी सूरज भगवान उधर दिख रहा है, तो थोड़ी देर करते हैं वेट, अगर बुकिंग आती है तो अच्छी बात है भाई, नहीं आती है तो फिर लोकल की राइड ही लेके घर चले जाएंगे। तो अभी क्या है, अभी लगभग 1 घंटे का वेट हम और करेंगे यहाँ पे 1 घंटे, और उसके बाद अगर राइड नहीं आती है सीधा जाएंगे घर की तरफ। तो ठीक है मिलते फिर कुछ देर के बाद, है ना भाइयों। तो भाइयों आज सारा दिन काम तो हुआ नहीं, इंतफाक की बात है भाई, 4 घंटे की प्राइम की आई थी रेंटर, उससे पहले हमने बुला लिया था भाई कुलदीप भाई को, हेलो बोलो भाई हमारी फैमिली को। ये हमारे कुलदीप भाई साहब, इनके साथ जा रहे हैं भाई शादी में, ये कहाँ पहुँचना है ये तो बताओ भाई, वो तो हमें पास करनी पड़ी, उसके बाद आंधी का फोन आया था, वो भी वही फतेहपुर अपने ससुराल जा रहा है, उसने भी फोन किया और इंतफाक से रामा देवी चौराहे पे ही था, तो हमने भाई मना कर दिया क्योंकि कुलदीप को बुला लिया था, कुलदीप ना आया होता तो भाई रेंटल भी करते और रेंटल ना कर पाते तो आंधी के साथ में जरूर जाते भाई, आंधी हमारे पिछले वीडियो में था आपने देखा होगा, तो माती का हमें वही जा रहा है किस लॉज में जाना है, और ससुराल में उसकी शादी है भाई परसों वाले दिन 5 तारीख को, कल उसको रुकना था 5 तारीख को शादी थी, तो हमने कहा भाई वैसे भी रुक नहीं पाएंगे, बहाना टाल दिया कि भाई मैं रुकने वाला काम नहीं देता हूँ, तो उसने बोला ठीक है भाई कल बुलाऊंगा तो आ जाना, तो हमने बोला ठीक है कल जरूरत है तो बुला लेना मैं आ जाऊंगा, हाँ कल शादी है और परसों आना है शादी में, अपने साले की शादी में जा रहा था। तो भाइयों देखा हमारे कुलदीप भाई साहब की रंगबाजी देख रहे हो, शादी में जा रहे हैं भाई, तुम्हारा गांव पिरौना पड़ता है ननिहाल पड़ता है, ननिहाल इनके मामे के मामा के लंबड़े की शादी है भाई, वो भी एसआई है दरोगा है, ऐसा ही दरोगा को भी बोलते हैं ना, फतेहपुर में पोस्टिंग है, तो भाई उसी की शादी में हम लोग जा रहे हैं, मौज मस्ती करेंगे, आज का दिन तो वैसा भी हमारा खराब ही हो गया है अर्निंग को लेके, इनकम वगैरह कुछ भी नहीं है, तो हमने कहा चलो दोस्ती यारी में आज यही शायद इसी की किस्मत में भाई घूमना लिखा था, हम 2 घंटे से खड़े वेट कर रहे थे लेकिन हमारी बुकिंग आई नहीं, उससे पहले आ जाती तो भाई से बोलते भाई राम राम तुम अपना देख लो हम जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कहीं कुछ हुआ नहीं, बुकिंग आई नहीं, देख लिया माती वृंदा, तो भाई ठीक ऐसा ही कुछ प्रॉब्लम हुआ है आज के दिन, तो अर्निंग हमारी वही 350 हुई है और उतना तो हमारा खर्चा हो गया होगा भाई सी एन जी, क्योंकि गाड़ी में हमने इतनी चला दी खाली आना जाना करके। तो ठीक है भाइयों आज के ब्लॉग में बस इतना ही, कल मिलेंगे नए ब्लॉग में, तब तक सभी भाइयों को राम राम गुड नाइट, मिलेंगे कल एक नए ब्लॉग में।